भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। पर भक्त लोग कहते हैं कि हमारा आत्मा तो ये कामने है ना, है आत्मा प्यारा होता है ये तो हम मानते हैं। श्रुति ने कहा कि आत्मा सबसे प्यारा, और हम भी मानते हैं कि आत्मा सबसे प्यारा, लेकिन हमारा आत्मा ये नहीं है, हमारा आत्मा ये है। ज्ञानातीतं किमपि कर्मं ये तु जानन्ति तत्त्वं तेषामात्मानं हृदय तु हरे शुद्ध चिन्मात्र आत्मा अस्माकं तु प्रकृति मधुरः स्मेरवक्त्रारविन्दः मेघश्यामः कनकपरिधिः पङ्कजाक्षोऽयमात्मा। जो लोग ज्ञानातीत किसी अनिर्वचनीय वस्तु का अनुसंधान करते हैं वो बड़े प्रेम से करें, जाने उसको, उनके हृदय में शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा का आविर्भाव हो गए, प्रकाश हो गए। हमारी आत्मा तो ये है, गौर तक प्रकृति मधुरहा स्मेरवक्त्रारविन्दहा मेघश्यामहा कनक परिधि पंकजाक्षोऽयमात्मा। हमारा आत्मा तो ये है। तो भक्त लोग दारागार वेद पुत्र प्राण सबका परित्याग करके भगवान से प्रेम करते हैं। अब भगवान यदि अपने आत्मा का परित्याग करके भक्तों के प्रेम न करें तो ये जथा माम प्रपद्यन्ते कास्त कैव भगवान नियाम। सर्वस्व त्याग करके भक्त ने भगवान से प्रेम किया और भगवान अपनी भगवत्ता का त्याग करके भक्त से प्रेम नहीं करें तो उनकी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो जाए। हाँ जी, तो काशी ने तो दिनों तक इसकी व्याख्या की। नीमम विरिंचो न भवो न श्री गत्यंग संश्रया प्रसादम ले भिरे। एक वैयाकरण पंडित थे, उन्होंने एक दिन कहा कि व्यास जी आपने इसकी व्याख्या तो 4-5 दिन तक करी, लेकिन इस श्लोक का अन्वय को जरा बता दीजिए कि कैसा है। नैमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरव्यंग संश्रया प्रसादं मेहिरे। अब भयो विरंचो की न ले भिरे, भयो की न ले भिरे, अंग संत्रया शरीर की न ले भिरे, ये ले भिरे क्रिया बहुवचन पड़ी हुई है और नकार 3 है। नारायण कहो ऐसे बनेगा। तो पंडित जी बोले कि भाई देखो अन्य अन्य की बात को वैयाकरण लोग जानते, तुम अपना ढूंढ लिया। हम लोग तो वृंदावन के भावदर्शी हैं, भावदर्शी है, हम व्याकरण दर्शी नहीं है। इमं प्रसादम विरिंचोपि भवोपि अंग संश्रया श्रीरति एते त्रयोपि न ले धुरे न ले धुरे न ले लोग सीधे ज्यादा है, कोई समस्त पद नहीं है उसमें, कोई अज्ञात पद नहीं है। अगर प्रत्येक के नकार को प्रत्येक के साथ जोड़ देंगे तो क्रियापद असंगत हो जाएगा, और प्रत्येक के साथ नकार को न जोड़ करके ना ले धीरे ना ले धीरे ना ले धीरे कदापि ओम प्रसादम गोपी गोपी तो यदि अनुभवनीयम विलुप्तिता प्राप्त वो पृथक गोपी में तो कोई एक अनिर्वचनीय वस्तु श्री कृष्ण से मुक्तिदाता श्री कृष्ण से प्राप्त की, परंतु यह प्रसाद बंधन लगाने वाला। अब सोचो कि ब्रह्मा बांधने जाए, कल सुनाया ही था ब्रह्मा बांधने गए, ब्रह्मा तो बछड़ों की चोरी करने गए हो, कृष्ण उसके साथ कुछ ठाक नहीं थी, वो जरूर शंकर जी बाला चोर के प्रसंग में आए, और लक्ष्मी जी महारानी वो तो डरती हैं, पर जसोदा मैया तो प्राप्त हुआ। तो क्यों हुआ कि गोपी ये देविका वाली बात देखो, जब जसोदा मैया ने दान दिया तब कृष्ण स्वस्थ बाल्यादेश समाप्त,
मैं मैया ने बहुत प्रज्ञा किया क्या। तो ये जो अपने मुख में दुष्ट रूप दिखाने से पुतला मारने से चटका सिर भंजन से कृणा व्रत का गला घोटने से है ना गर्गाचार्य के और नारायण नाम रखने से जो हमारा ऐश्वर्य प्रकट होता जा रहा था हमारी मैया ने बिल्कुल ठीक किया उखल के बांध करके हमको। अब हमारे ऐश्वर्य का प्रकाश नहीं होगा हम गुप्त रूप से ब्रज में रह करके आनंद मना सकेंगे नहीं तो बाबा प्रकट हो जाएंगे ईश्वर तो लोग सिंहासन पर बैठाएंगे चंदन लगाएंगे फूल माला पहनाएंगे आरती उतारेंगे वो धूल में लेटने वाली बात बछड़ा कराने वाली बात वो श्री दामा को कंधे पर ले करके ढोने वाली बात वो माखन चुराने वाली बात कोई नहीं बनेगी ईश्वर का प्रकट होने पर ये तो सब के सब सिंहासन पर बैठा देंगे। तो मैया ने बहुत बढ़िया की आप तो लोग समझेंगे ना कि हाँ ये दोक जालक है बोला इस ऐसी प्रसन्नता श्री कृष्ण को प्राप्त यब तक प्राप्त विमुक्ति बाप इसी से कहा यशोदया समानास्ति देवता का भूतले धरती पर यशोदा के समान कोई देवता नहीं है तो क्यों तो खले गया बद्धो मुक्ति दो मुक्ति निक्षते सबको मुक्ति देने वाला भगवान यशोदा मैया के द्वारा उखल में बाधा गया उपनिषद अर्थात उनु खले निरंधम गोप बधूती पतांचले नद्धम नारायण प्रभु श्री कृष्ण नारायण प्रसन्न हुए भगवान तो वह आज मैया ने सचमुच मैया का काम किया आज मातृत्व दिखा दिया। तो जब कभी कृष्ण में ऐश्वर्य प्रकट होता है तो देखो देवकी वसुदेव के सामने ऐश्वर्य प्रकट हो गए तब उनको तो झट याद आ जाती है कि कंस के कारागार में जो चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए थे वही है ना तो वो तो ऐश्वर्य भाव से अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन नंद जसोदा के सामने कभी ऐश्वर्य प्रकट हो गए तो ऐश्वर्य भाव से अभिभूत नहीं होते इनका वात्सल्य विजयी हो जाता है। सखा लोग तो समझते हैं कि हमसे ज्यादा बलवान है ये कोई और सखी समझते हैं कि ये हृष्ट पुष्ट सुंदर युवा है और माता पिता समझते हैं ये हमारा बालक है। क्या सुगम भाव से प्राप्त हैं जसोदा और नंद राजा को नायम सुखा को भगवान देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञान नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मता भाई भगवान यथा भक्ति मता यह सुखाता भक्तिमान पुरुषों को किसी जीवन में भगवान सुखाता अयम भगवान भगवान कई होते हैं एक अहम भगवान होते हैं एक अयम भगवान होते हैं तो जो अहम भगवान है वो तो वेदांतियों को सुखाता है और जो अयम भगवान है भक्ति दर्शन तो दृश्य दर्शन है ये तत् पदार्थ प्रधान है ये त्वम पदार्थ प्रधान नहीं है और तत् पदार्थ अभिन्न निमित्तों का आदान कारण है संपूर्ण प्रपंच का इसलिए कार्य में सर्वत्र अनुसूत होने के कारण सर्व देश में सर्व काल में सर्व रूप में सर्व आकार प्रकार में वो ही अभिन्न निमित्तों का आधार कारण रूप जो तत् पदार्थ है वो प्रकट हो रहा है। ये जो तत् पदार्थ को जानते हैं वो उस मर्म को समझता है नायम सुखापो भगवान तेहि नाम गोपिका सुतः अन्य कश्चित भगवान सुखापो भवति नाम दूसरे कोई भगवान किसी दूसरे के लिए सुख पूर्वक भले मिले परंतु अयम गोपिका सुतो भगवान ये जो गोपिका नंदन भगवान है ये भगवान देहिनाम देहाभिमानी नाम न सुखाता ज्ञानी नाम च तथा न सुखाता
यथा भक्तिमता यह सुखावा तो देहाभिमान चाहे तो हम भगवान पे हैं यही नाम प्राप्त जो अपने को देह को मानते हैं देह हड्डी मांस प्राण और फिर तपस्या करके चाहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लें तो देहाभिमानी पुरुष को भगवान की प्राप्ति नहीं होती बोले तो अच्छा देहाभिमानी तो नहीं होती है तो ज्ञानी तो होगी बोले तो ज्ञानी तो महाराज संपूर्ण आकार विकार प्रकार संस्कार का अपवाद कर देते हैं और निर्गुण निर्धर्मक को चाहते हैं जो गोपिका नंदन तो चाहेगा ही नहीं उसके सामने वो अपने आप का चाहेगा तो उनके लिए भी सुखावना है तो वो किनको मिलता है यथा भक्तिमता भक्तिमानों को सुखा करे इसका अर्थ ये है कि यदि कोई तपस्वी भी चाहे भगवत प्राप्त करे तो उसको दुख से बड़े कष्ट से भगवत प्राप्ति हो सकती है और ज्ञानी पुरुष भी चाहे वो संकल्प करे कि सगुण साकार हमारे सामने आवे आराधना करे ध्यान करे भजन करे तो उसका भी भाव बन जाए उसके सामने भी प्रकट हो सकते हैं परंतु सुखापा नहीं है दुखापा है बना बड़े कष्ट से मिलेंगे लेकिन कोई भक्तिमान हो रहे अच्छा एक दूर की बात करें ज्ञानियों को साकार भगवान जल्दी नहीं मिलते क्यों नहीं मिलते हैं ज्ञानी लोगों ने अपने को सेवा न करने के लिए बताया हो क्या बताया बोले कि भगवान तो अभोक्ता है वो कुछ खाता पीता नहीं है आलस्यम अन्यो अभिचार बिना खाए पिए चमकता रहता है तो भगवान ने सोचा कि अगर कहीं मैं कृपा करके ज्ञानियों के घर में चला गया भगवान तो कुछ खाता ही पीता नहीं लगा है ना तो ऐसे ज्ञानियों के घर में जाके क्या करना है जो खाने को दो रोटी मिले तो तब किसके घर में जाना है भक्त मकान भक्त के घर में जाएंगे भक्त तो कहते उसको है जो भक्त के समान हो भक्त मन भात चावल पक्का हुआ भात ये भक्तम शब्द है इसके लिए संस्कृत में भक्तम अंधा बनम तो भाव कैसा होता है तो देखो उज्ज्वल होता है पहली बात तो ये है भाव की भक्त की पहली विशेषता ये है कि वो उज्ज्वल है सफेद ना हो तो क्या भाव लाल हो काला हो तो उसको अच्छा भाव थोड़ी ना है उज्ज्वल और दूसरे पद जाए ऐसा कि कणिका उसके भीतर ना हो अभिमान की कणा ना हो सिद्ध हो लेकिन कणा ना हो और अलग अलग हो हलवा नहीं बनाना चावल का हलवा नहीं बनाना अलग अलग हो तो ये भक्त की विशेषता है ना कि वो उज्ज्वल हो परिपक्व हो अभिमान की कणा से रहित हो और पृथक पृथक हो अलग अलग हो अलग अलग न लगती इति अलग ये प्रत्यांत है अलगनम अलगनम बोलते हैं वैसे पर अलग अलग भी चीजें ही है संस्कृत में है ना तो अलग अलग किसी से लगे नहीं एक दूसरे से लग न जाए अलग अलग ऐसा जो भक्त हो तो भक्त जैसे भात में जैसे निकात होती है अब देखो भागवत में भात खाने का वर्णन जो है रोटी खाने का वर्णन बिल्कुल भगवान ने कभी रोटी का इसका वर्णन सूरदास ने तो किया है क्योंकि सूरदास तो आगरा की तरफ रहते थे ना तो उधर रोटी रोटी खाने के रिवाज ज्यादा और ये अब ये रोटी क्या है ना ये त्रोका है ना असल में त्रोका तो त्रोकित्वा खाद्य पे जिसको तोड़ कर खाना पड़े तो त्रोका है ना और तकार का लोक हुआ तो रोका और अल्पा रोका रोटी का तो ये तोड़ तोड़ के खाना पड़ता है और भात को तोड़ तोड़ कर खाना पड़ता और कोई अपना प्रेमी हो तो तोड़ तोड़ के उसको खाना पड़े राजा ये भक्त जो ये तो समझते
नारायण। और फिर तो ये भक्त को भक्ति मतानी है, भक्ति माने होता है अलगाव। एक होता है कर्म, ये गुरु मीमांसा में भक्ति शब्द का प्रयोग विशेष रूप से आया है, तो उसका अर्थ जो भाग होता है उसमें, तो मुख्य भाग के लिए भक्ति शब्द नहीं आता, गौण भाग के लिए भक्ति शब्द आता है। तो अपने को भगवान का भाग बना देगा, हम भगवान का रुद्र भाग नहीं है, इंद्र भाग नहीं है, गरुड़ भाग नहीं है ना, कुटुंब भाग नहीं है, राज भाग नहीं है, ईश्वर भाग है। अपने आप को ईश्वर का भोग्य भाग बना देना, जैसे यज्ञ में इंद्रादि देवताओं के पृथक पृथक भाग होते हैं, ऐसे अपने जीवन को ईश्वर का भाग बना देना कि हे ईश्वर तुम इसको भोगो, तुम इसको देखो, तुम इसको खाओ, तुम इसको पियो, तुम्हें जैसे आनंद आए ऐसे इस जीवन का उपयोग करो, इसको बोलते हैं भक्ति। तो ये जो आत्मसमर्पण भगवान को करके भक्तिमान भक्त बैठा है, उसके लिए भगवान जितने सुलभ है कल सुनाएंगे, ज्ञानियों के लिए भगवान कैसे मिलते हैं, तपस्वियों के लिए कैसे मिलते हैं, और भक्तों के लिए कैसे मिलते हैं, और भक्तों के मिलने में सुगमता क्या है, वो बात कल सुनाएंगे। एक सूचना आपको ये देनी है, ये भाद्र शुक्ल पक्ष जो आता है ना, इसको ऐसा मानते हैं कि भाद्र शुक्ल पक्ष में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया था। तो अभी कुछ ऐसा प्रसंग आ गया कि 3 सितंबर को हमें यहाँ से, मैंने पूर्णिमा को, भाद्र पूर्णिमा को यहाँ से हमको वाराणसी जाना है, तो इस दिन कथा नहीं कर सकेंगे, इसलिए 26 अगस्त से शायद सोमवार है, उस दिन सोमवार है, उस दिन से यहाँ भागवत जयंती संबंधी प्रवचन प्रारंभ करेंगे, और 1 सितंबर तक माने रविवार तक यहाँ 7 दिन भागवत सप्ताह संबंधी प्रवचन करके, और 2 तारीख को छुट्टी मना के, और 3 को यहाँ से वाराणसी जाएंगे। तो वो भागवत सप्ताह संबंधी जो प्रवचन है, सप्ताह नहीं करेंगे, नियम से जैसे होता है वैसे सप्ताह नहीं, कोई एक मुख्य प्रसंग लेकर के उस पर प्रवचन करेंगे, जो लोग नियम से सुनना चाहते हैं वे 26 अगस्त सोमवार से सायंकाल चले गए रखेंगे, उसमें भागवत सप्ताह संबंधी प्रवचन सुनने का नियम लेकर के बैठ सकते हैं, और 7 दिन तक उसका श्रवण कर सकते हैं। तो ये सूचना देने की, और प्रेम कुटी की बात से प्रेम कुटी में आपको सुना देहिनां गोपिका सुतः
ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्रायां मातरप्रभुः अद्राक्षीदर्जुनौ पूर्वं गुह्यतौ धनदात्मजौ पुरा नारदशापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात् नलकूजरमणिग्रीवाविदिख्यातौ श्रियान्तौ नारायण 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 अयम उलूखले बद्धः वेदिका सुतः भगवान जैसे किसी को मनुष्य दिख रहा हो और बताने वाला कहे कि अयम मनुष्य विद्वान, तो मनुष्य कना तो आंख से दिखता है लेकिन उस मनुष्य का जो वैदुष्य है पांडित्य है वो आंख से नहीं दिखता है। तो अज्ञात ज्ञापन के लिए ये प्रयोग किया जाता है कि अयम मनुष्य विद्वान, मनुष्य का ज्ञात है विद्वत्ता वैदुष्य पांडित्य, अज्ञात है तो उस अज्ञात वस्तु को समझाने के लिए ये बात कही जाती है कि यह मनुष्य विद्वान है। इसी प्रकार अयम उलूखले दग्धः गोपी का सुतः, ये उखल में दबा हुआ गोपी का बेटा इतना तो दिखता है आंख से, अयम इतना तो आंख से दिखता है कि कोई गोपाल कोई ग्वाला कोई ग्वाल बाल उखल से बना हुआ है, परंतु ये भगवान है ये बात देखने वालों को मालूम नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अयम उलूखले दग्धः गोपिका सुतः भगवान, उखल में बधा हुआ होने से ये नहीं समझ लेना कि कोई मामूली है, ये साक्षात भगवान है। दूसरा कोई बन जाए तो हमेशा के लिए बन जाए। और फिर इतने भक्त इतने प्रेमी के हाथ का बंधन मिलता कहां है? एक बार में कहीं अयोध्या जी में बलिया में बहुत भावुक है तो कहते हैं हे सहेलर सहेलर बोलते हैं सहेलर माने सखी सहेल, हमारा तुम्हारा घर तो यही ही है जनकपुर के हैं। मैंने कहा और कौन मेरे साथ जिसने भगवान को बांध लिया, वो बोले कि जनकपुर की स्त्रियों ने ऐसा बांधा था महाराज रामचंद्र के विद्वान के समय दोनों साथ बोले अपने आप को बिना दूसरे की मदद से खोल लो, अब नहीं खुलता था रामचंद्र भगवान से खुलता नहीं था। तो जानकी जी को भी हंसी आ गई, तो बोले बेटे ने हाथ में जो चंदन एक रस्सी लपेट ली तो ये भगवान अपने भक्तों के हाथ से बचते हैं, बोले बांधने की हिम्मत और कुछ नहीं। नारायण कहो तो अयम गोपिका सुतः उलूखले दग्धः उखल में बांध लो रस्सी से बांध लो नारायण,
हमको तो कुछ मना नहीं है, सिर्फ प्रेम चाहिए। यही ईश्वर की यही विशेष बात है। ईश्वर के लिए हाँ ना कुछ नहीं है, बस प्रेम चाहिए। बोले ये भगवान है और भगवान के बंधने में ही आनंद है। जीव को तो सरकारें देखो बाद बाद जो हम कई जोड़ी जगा करके मनुष्य को तो जेल खाने में रखती रहती है। बोले अच्छा भगवान है तो उछल में गधा क्या? तो गधा यह कि गोपिका सुतः, ये गोपिका का बेटा है। देखो पहले यशोदा से प्रारंभ हुआ था और बाद में गोपिका शब्द का प्रयोग आने लग गया। पहले यशोदा यशोदा से प्रारंभ हुआ था। एक अदा गृहदा की तुम यशोदा नंद देवी ने एवं स्वदेह दानानी यशोदा संदर्भ्य थी। लेकिन जब दांत दिया तब यशोदा की जगह गोपिका शब्द आने लग गया। गोपिका माने गोपन करने वाली। एक भक्त का तो कहना है कि गोपिका ने कृष्ण को बांधा, ये बात गलत है। तो किसने बांधा? बोले कृष्ण ने गोपी और उत्पल दोनों को बांध दिया। ये जो संस्कृत में शब्द है ना, गोपी को उत्फले बांधना बबंधक प्राचोतन बता कृष्ण गोपी को लूखले उभरे एवं दामना बदंध। कृष्ण ने गोपी और उखल दोनों को रस्सी से बांध लिया। प्रेम मौल है दामना, प्रेम की रस्सी से बांध लिया। मैया ने कहा कि आहा हमारा लाला कितना भोला भाला, कितना आत्मा, जो हमारे हाथों बनते समय रोता भी नहीं है। इसका इतना विश्वास है कि मैया बांधेगी भी तो अंत में दूध तो पिलाएगी, अपने गोद में तो पिलाएगी। तो देखो कितना भोला भाला है कि बांधने पर भी इसके चित्त में दैव मनुष्य का उदय नहीं होता है। हमारे लाला के मन में कितना स्नेह है, कितना कौशल्य है, मेरे ऊपर कितना विश्वास है कि मैया बांध के भी हमको नहीं बांधेगी, अकेले खोलेगी, दूध पिलाएगी, अपने साथ खिलाएगी। विश्वास की दूर तो कृष्ण के विश्वास को देख करके चुपचाप बन गए। तो कृष्ण के विश्वास देख करके कृष्ण बंधे रस्सी से और मैया बंधी ममता से, मोह से मैया बंध गई। उखल को ऐसे बंधा, अरे उखल को ऐसा बंधा, नारायण कहो। ये भगवान के साथ बंधने का, बंधने में कितना महत्व है ये इस प्रसंग में देखने योग्य है। भगवान के साथ बंधी रस्सी और रस्सी के साथ बंधा उखल, और बाधा किसने? तो मैया ने। और फिर उखल में इतना सामर्थ्य आ गया, इतनी शक्ति आ गई कि वो जड़ वृक्ष का उद्धार करके इनके जीवन को देवता बना दे, भक्त बना दे। पेड़ को देवता किसने बनाया? पेड़ का उद्धार किसने किया? पेड़ को भक्त किसने बनाया? ये कृष्ण ने क्या नहीं, उखल ने। उखल में तो पेड़ों का उद्धार किया ना। तो भगवान के साथ बधी रस्सी और उस रस्सी से बना हुआ फल, संत की बात छोड़ो, भक्त की बात छोड़ो, भगवान के साथ बधी हुई रस्सी भी और उस रस्सी से बना हुआ फल भी, कला की फल भी, जड़ भी है, उठने का अधिकारी भी है ना, तो वो भी दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हो जाता है। ये उखल बन गया भगवान के साथ, उद्धारक हो गया है, जगत उद्धारक।
भगवान के साथ बंधा हुआ फल नारायण बोले अच्छा ये उत्सव में बधे हुए भगवान जो कांगनाओं के अंजन ये काले काले है ना। एक बार गोपियों में ये सलाह हुई कि सखी ही ये नंद नंदन सारे ने कहा कि कबरारी अज्ञान में बसे रहे दिन रात कजरारी अज्ञान में बसे रहे दिन रात ये गोपियों की कजरारी आंखों में दिन रात बता रहता है ताते सावर गात कृष्ण प्यारो हे सखी ताते सावर गात सावरे क्यों गोकुल कन्या धन्या मन्या मवे जगति यासा नयन सरोजे व्यंजन दूतो निरंजनो वसति। हम इस धरती पर केवल गोकुल की कन्याओं को ही धन्य धन्य मानते हैं। वैलिए गोकुल कन्या धन्या मन्या मवे जगति काम नयन सरोजे स्वंजन भूतो निरंजनों बसती निरंजन अंजन बनकर रहता है धन्य धन्य गोपियों के नेत्र में। नायम सुखा दो भगवान देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञान नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मदारे नायं सुखापो भगवान। ये गोपिका का बेटा है। गोपिका का अर्थ है कि अपने बच्चे को जैसे आसन के भीतर छुपा के रखते हैं वैसे ठाकुर जी को अपने हृदय के आसन से छुपा के रखो नारायण देखो ना देवकी ने भगवान को पेट में छुपाया और वसुदेव ने ले जाकर गोकुल में छुपाया। गोकुलों ने चोर चोर करके छुपाया। मैया ने उधरी कह करके छुपाया। जिसने छुपाया उसका हो गया। भगवान को गुप्त रखना हो मैंने किसी ग्रंथ में पढ़ा था कि तू अपने मोती अनाधिकारियों के सामने मत डाल। ये बिखेरने की वस्तु नहीं है वो ये तो गुप्त धन है गुप्त धन। तो देहा भी माने लोगों के लिए ये सुखात नहीं है। सुखात माने सुख जो मिल जाए ऐसा नहीं है क्योंकि देहाभिमानी लोग अगर भगवान को पा भी जाए तो क्या करेंगे। जिनको देहाभ्यास बड़ा प्रबल है उनको ईश्वर मिले तो वो ईश्वर का क्या करेंगे। जरा वो तो ध्यान तो दो देहाभिमानी तो उनका ईश्वर खुश हो जाए तो वो जब जंगल में जाएंगे ना और उनको कोई खटखट मालूम पड़ेगी इधर उधर खड़ खड़ करके खड़खड़ाएंगे तब वो कहेगा हे ईश्वर बचाना है ना कहीं हमारे ऊपर पेट ना आ जाए लेकिन बलिस्मान खड़े हो जाए। ये महाराज बिहार हमारे लोगों को अगर ईश्वर मिल जाए तो दिन भर में कहेंगे कि अब पानी बरस दो अब धूप कर दो है ना अब हमारे लिए रोटी बना के खिला दो अब हमें पंखा अब हमारे लिए हवा चला दो। जितनी छोटी छोटी समस्या उनको एक ऊपर आएगी अपने शरीर की वो ईश्वर कहेंगे कि वे ईश्वर पूरा करो उनको ईश्वर नहीं चाहिए उनको तो देह का सेवक चाहिए। इसीलिए देहाभिमानी ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। देहाभ्यासी जो है वो ईश्वर की प्राप्ति में समर्थ नहीं है। वो तो उनके हमने ऐसे भगत देखे हैं
तो लोग बोलते थे कि हम निष्काम हैं, निष्काम हैं, निष्काम हैं, है ना। एक दिन उनके बेटे के सिर में दर्द हो गया, बोले थे भगवान बताओ, तो उसको ज्यादा दर्द बढ़ा गया ना। तो बोले कि अब तक हमने जितना जप किया है, जितनी पूजा की है, जितना पाठ किया है ना, उसमें अगर कोई फल हो तो हे भगवान का साथ मिले, हमारे बेटे का सिर दर्द अच्छा हो जाए। नारायण को देख लिया तो नारायण कहो, ऐसे ईश्वर की साथ ऐसे लोगों के सामने कहो कि ईश्वर आके प्रकट हो जाए। जहां ब्रजवासियों का ये काम है कि उनका सोना, उनका जागना है, उनका खाना, उनका पहनना, उनका बोलना, उनका चुप रहना, सब जहां कृष्ण के लिए है ब्रजवासियों का, वहां देहाभिमानियों का सब कुछ अपने देह के लिए है। तो जब अपने देह के लिए है तो ऐसे लोगों की सेवा करने के लिए कृष्ण क्यों आवे। तुम देह भक्त हो कि कृष्ण भक्त हो, तो पहली बात ये कही कि देहाभिमानियों को ऐसे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। अब दूसरी बात है कि ज्ञानियों को तो मिलेंगे ना, ज्ञानिनां चात्मभूतानां। अरे भाई किसी किसी देहाभिमानी को मिल भी जाता है, तो आता शब्द में ये ध्वनि है, ऐसा तो वो भी बताया जो तो देहाभिमानी को कैसे मिले। तो माने तो अपने तो देह, लेकिन अपने देह को कृष्णार्थ कर रहे, समर्पण कर रहे। आखिर देखो रोज किसी न किसी को तो समर्पण ही करते हैं, पति को समर्पण किया, पुत्र को समर्पण किया, बाप दादे को समर्पण किया, कुल गोत्र को समर्पण किया, जाति देश को समर्पण किया, लोग जीवन दान तो करते ही रहते हैं। तो अपने जो देह को माने, लेकिन अपने देह को कृष्णार्थ करते हैं ना, भगवदर्थ करते हैं। अच्छा बोले भाई हमने कृष्णार्थ कर दिया, हाथ में अक्षत लिया, कुछ लिया, जल लिया, अरे कृष्णार्थ कर दिया। अभी दिन भर अपने सुख के लिए तो व्याकुल रहते हैं, कृष्णार्थ कर दिया। देखो परमार्थ के मार्ग में बेईमानी नहीं चलती है, वो सब काम ईमानदारी से चलता है। द्वेष से तुम किसी शख्स देश को ठग सकते हो, लेकिन ईश्वर को द्वेष से ठग नहीं सकते। तब कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए जीवन है ये कहने का क्या अभिप्राय हुआ। हमने अपना जीवन, अपना शरीर कृष्ण के लिए अर्पित किया। देखो कोई एक इंद्रिय अपने शरीर में ऐसा करो जिससे केवल कृष्ण का ही काम हो, पूरे शरीर की बात छोड़ दो तो जीव से केवल कृष्ण का नाम बोलेंगे। एक जज्बा केवल अर्पित करो कि नहीं महाराज बाजार का काम रुपया पैसा नहीं बोले तो एक हम संगो को ही 13 महीने मौनियों की जमात में रहे हो, मौनियों की जमात थी उसमें 13 महीने रहे, फलाहार करते थे, गाल रखा हुआ था, हमारे बाल बड़े बड़े थे ना, और ये खादी की कोकटी होती है ना, कोकटी कपड़े ओढ़ते थे और मौनियों में रहते थे। जैसे कोई बाजार जाने लगा ना तो मौनी जी बोलते है ना नारायण बाजार, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है ना साबुन दो आला, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण बाजार, और लौट के आया और भूल गया लाने में, बोले हे नाथ नारायण बाजार। अरे बाबा 50 मौनियों के बीच में था है ना, तो
रहा वो मऊ काहे के लिए। देखिए हम इसलिए आपको सुनाते हैं कि मनुष्य भगवान के लिए करते करते भी अपने लिए करने लग जाता है। हमारा किसी व्यक्ति से मतलब नहीं हो, किसी साधु से कि किसी गृहस्थ से कि किसी संप्रदाय से मतलब नहीं है। मतलब केवल इतना है कि भगवान के लिए निकले से हरिभजन को ओटल लगे कपास। ये हमारे गांव में पहले से मशहूर है। ये ना गांधी जी के चरखे के बाद ये नहीं चलाओ, चरखा तो बाद में चलाओ, तो पहले से निकले से हरिभजन को ओटल लगे कपास। तो ईश्वर के लिए कर्म हो, अच्छा केवल जीव ईश्वर के लिए रखो, अच्छा केवल पांव ईश्वर के लिए रख दो कि जब चलेंगे तब भगवान के लिए, नहीं तो चलेंगे बस। केवल काम ईश्वर के लिए रखो, केवल आंख ईश्वर के लिए रखो, तब जीवन अर्पण का अर्थ क्या हुआ? जब शरीर से ईश्वर के लिए कर्म नहीं करते हो, है ना, कर्म से अगर जो तनख्वाह बोल भाई नौकरी काहे के लिए करते हो, व्यापार काहे के लिए करते हो, तो ईश्वर के लिए है। और जब पैसा आता है तो क्या करते हो? तो अपने ही नाम से बैंक में रखते हैं महाराज, है ना, खाता तो अपने नाम से, बोले नौकरी काहे के लिए करते हो? तो ईश्वर के लिए, कमाते काहे के हो? तो ईश्वर के लिए। तो देखो देहाभिमानी को भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है यदि वो देह का सर्वात्मना ईश्वर को अर्पण करके और देह की जो नौकरी है वो ईश्वर के लिए बजावे और उस नौकरी का जो फायदा है वो ईश्वर की सेवा में लगाता जाए, अपने लिए नहीं रखते हो। और हमने तो देखा क्या नाम है हमारे बाबा के पास, बाबा जी के पास भगत लोग आते थे, रात को पांव बजाते तो बाबा लेट जाते हैं, तो लेटते तो बहुत देर से लेटते हैं, तो एक हाथ को पांव पर उनके किराए हैं बोला, और दूसरे पांव से दूसरे हाथ से जो तख्ते के नीचे मिठाई रखी है, फल रखा है, कपड़ा रखा है, उसको उठा के अपनी जेब में रख देते, बोले तो बाबा का पता लेके चले जाते हैं नारायण। तो जब सब ईश्वरार्पण है, सब ईश्वरार्पण है, जो सब मंथन सब संत कहो चका संत से महा, सब अपने काम में अपने बड़प्पन में खर्च करते हैं, अपनी इज्जत बढ़ाते हैं, अपने काम में लेते हैं, शरीर के कर्म का संपूर्ण जो लाभ है वो ईश्वर को मिलना चाहिए, अपने को नहीं, अपने को तो प्रसाद ही मिलना चाहिए किनका। तो बोले कि तब ईश्वर कहाँ मिलेगी उसकी सेवा में लगा, तो तब तुम्हारे शरीफा अभक्त और कोई तुमको ईश्वर नहीं मिलता है, राम राम है? अरे भाई नारायण कहो। एक बार हो मैंने बताया ना आपको, अयोध्या में गया था, अयोध्या में 16-17 बरस की उम्र थी, मंदिरों में दर्शन किया और एक महात्मा के पास लौट के गया। मैंने कहा कि हमको भगवान का दर्शन करा दो, अरे बड़े नाराज हुए, गाली देने लगे, बोले तुम आते कहाँ से, किसका दर्शन करके आते? लाखों लोग जिस पर श्रद्धा रखते हैं, हजारों का जिससे प्रेम है, सैकड़ों ने जिसके लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, उसको तुम भगवान नहीं मानते और कहते हो हमको भगवान का दर्शन करा दो। ब्राह्मण भगवान नहीं है, गाय भगवान नहीं है, सूर्य भगवान नहीं है, सन्यासी भगवान नहीं है, कहाँ से भगवान तुमको मिलेंगे? जो भगवान मिल रहे हैं उनकी कौन सी सेवा तुमने की? तो बोले और भगवान नहीं, वैकुंठ पर चल के हमारे लिए सीधे आए, है ना, और कोई गरुड़ पर चढ़ के ना आए, पैदल आए हमारे लिए। तो देखो देहाभिमानी को भगवान मिल सकते हैं यदि वो अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मई रमन आधत्य मई बुद्धि निवेश निरशिष्ट लगे वत ऊर्धम न संतया अथ चित्तम समाघातम न शक्नो कि मरिस्तरम अभ्यास योगे न तथो मामिख्या तुम धनंजय
अध्यापेक्षसमर्पयसि मत् कर्म परमोभव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैकतत्त्वगतोऽपि कर्तुं मद्गुणाश्रिता सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुर्यदात्मवान्। ये चारों देहाभिमानी के लिए है नारायण। अब बताओ कैसा भाई देहाभिमानी को तो इस तरह से ईश्वर मिल सकता है, लेकिन ये सुखार नहीं हुआ हो तो ये बड़ा कठिन मार्ग हुआ। तो बोले अच्छा जिनको देहाभिमान नहीं है उनको तो ईश्वर सुखा दे। बोले कि ना ना जिनको देहाभिमान बिल्कुल नहीं है उनके सामने भी ईश्वर क्यों जाए, वो तो नेती नेती की तलवार लेकर के खड़े होते हैं। बोला ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति नदानिह। देहाभिमानी थक गया इसलिए कि वो देह का सेवक ईश्वर को बना देता है, इसलिए ईश्वर उसको नहीं मिलता। मिलता है तो बड़े दुख से मिलता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। बोले जिसको देहाभ्यास नहीं है, देहाभिमान नहीं है, उसको ईश्वर कैसे मिले। बोले भाई देहाभिमान नहीं है तो आत्मा के रूप में तो ईश्वर मिलेगा ही मिलेगा। बोले अयम गोपिका सुतो भगवान, ये कैसे मिलेगा। अरे तुमको क्या इतनी फिक्र पड़ी है तुमको मिल जाए। तो नहीं नहीं हमको मिला होंगे। नारायण गोविंद। हम लोग जब गंगा किनारे की ओर रहते थे ना और वहाँ भागों की कथा करते तो कभी कभी कोई भक्त आ जाते तो बोलते कि आप भक्ति की बात ऐसी करते हो ये गंगा किनारे क्यों फंसे हो, चलो ना वृंदावन। जब वृंदावन आए हो तो जो लोग वेदांत की चर्चा सुनते हैं वो कहते महाराज आप वृंदावन में आप ही कह देंगे वृंदावन है ना, अभ्यस्त अधिष्ठान करने वाले लोग है ना, आपको वृंदावन में कोई जाना चाहिए। अरे चलो चलो लोक कल्याण करो और लोक में जाओ तो बोले बैरंग वापिस जाओ यहाँ से कहा।